ईसाई मिशनरियों द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय का दबाव पूर्वक जबरन धर्मांतरण और आदिम जाति विरोधी हिंदी विरोधी कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। दुर्ग भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। अपने विरोध के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईसाई मिशनरियों द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय का दबाव पूर्वक जबरन धर्मांतरण लगातार किए जाने के साथ अनुसूचित जनजाति समाज में मिशनरियों द्वारा जनजाति समुदाय पर किए जा रहे हमले के विरोध में तथा धर्मांतरण का विरोध करने वालों पर रासुका कानून को वापस किए जाने को लेकर अपना आक्रोश जताया। इस संबंध में मीडिया के समक्ष भाजपा पदाधिकारियों ने प्रतिक्रियाएं दी। आज भारतीय जनता पार्टी दुर्ग संगठन एवं भिलाई संगठन के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश कांग्रेस सरकार द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और धर्मांतरण के विरोध करने वाले लोगों के विरुद्ध में रासुका जैसे अप्रिय कानून को लागू कर रहे हैं, जबकि बस्तर ही नहीं, बस्तर सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खुद के विधानसभा भिलाई दुर्ग जहां चार चार पाँच पाँच मंत्री लोग रहते हैं, वहां भी बेधड़ल्ले से ईसाई मशीनरियों के द्वारा धर्मांतरण कराए जा रहे हैं। आए दिन गाँव-गाँव में झंझट हो रहे हैं और जीता जागता उदाहरण है, सुकमा का एसपी बहुत पहले शासन को लेटर लिखे थे कि धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बस्तर के कमिश्नर लिखे थे, फिर भी भूपेश बघेल जी और इनके सरकार के द्वारा नहीं। इनके एक और ज्वलंत उदाहरण है, इनके कदवार मंत्री टीएस बाबा ने भी अपने सरगुजा क्षेत्र में रोहिणियों का लेटर लिखे थे। धर्मांतरण के विरुद्ध में सड़क से लेकर के जो भी लड़ाई लड़ना पड़े लड़ेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा धर्मांतरण का काम जो रोक रहे हैं उनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेजने की तैयारी हो रही है। 300 ईसाई मिशनरी के कार्यकर्ताओं ने हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर हमला किया तो मुकदमे बन रहे हैं आदिवासी भाइयों के खिलाफ, हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा बन रहा है और जो ईसाई मिशनरी के लोग हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बन रहा। विगत दिनों खुर्सीपार में एक सरदार ने खुर्सीपार बस्ती के बीच में मकान पर कब्जा किया और वहां पर ईसाइयों के लिए चर्च बनाया, उसको रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस में थाने में बात की गई, इसके बाद भी उसको पूर्ण रूप से बंदिश लगाई गई। पूरे प्रदेश के अंदर केवल वोट की राजनीति चल रही है और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भूपेश बघेल हर प्रकार के कानून लगा रहा है। ईसाई मशीनियों को करोड़ों रुपए का पैसा मिल रहा, फंड मिल रहा है, उनके माध्यम से केवल वोट बैंक बनाने का काम। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।